हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे पॉपुलेशन का इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स, इसके साइलेंट फीचर्स और इसके पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन। पॉपुलेशन रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया एट ए गिवन टाइम। एक दिए हुए समय पर एक निश्चित जगह में एक ही तरह के स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को पॉपुलेशन कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं इंडिया में 2017 में इंडिया में लोगों की आबादी 1 करोड़ थी। तो यह क्या बता रहा है, ये लोगों की आबादी 1 करोड़ थी, ये एक तरह का एक जनसंख्या, एक पॉपुलेशन बता रहा है। 2017 में इंडिया में लोगों की जनसंख्या कितनी थी, तो 1 करोड़ थी। ये पॉपुलेशन बता रहा है। पॉपुलेशन कब होगा, जब एक दिए हुए समय में एक निश्चित जगह में किसी स्पेसिस के ग्रुप को पॉपुलेशन कहा जाता है, तो ही पॉपुलेशन को रिफर्स करता है। पॉपुलेशन आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन होता है और दूसरा पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन होता है। ए मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली वन स्पेसिफिक। मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन एक ही तरह का स्पेसिस से बना हुआ पॉपुलेशन को मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन कहा जाता है। ए पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी रिलेटेड स्पेसिफिक। ए पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन कब बनता है, तो एक ही तरह मतलब होता है ना कि अलग अलग तरह के स्पेसिफिक मिल के पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन बनाते हैं, या फिर पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन अलग अलग तरह स्पेसिस मिलके पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन बनाता है। जैसे कि मान लेते हैं किसी भी एक तालाब में टोटल जनसंख्या, एनिमल्स का जो जनसंख्या है वो 2000 है ना। तो किसी एक पॉपुलेशन, किसी बस फिश के पॉपुलेशन नहीं बता रहा है, टोटल एनिमल्स मतलब उसमें बहुत कुछ, जैसे प्लांट्स हो गया और भी तरह के एनिमल्स, फिश में स्नैक भी आ गया, टोटल पॉपुलेशन को अगर मिला के अगर बोले तो वो क्या होगा, पॉली स्पेसिफिक पॉपुलेशन कहलाएगा। लेकिन उसी अगर तालाब में अगर हम लोग बोलेंगे फिश का पॉपुलेशन कितना है, 100 है, तो वो एक ही तरह का स्पेसिफिक अगर हम लोग बोलें कि एक ही तरह के स्पेसिफिक का पॉपुलेशन, वो मोनो स्पेसिफिक पॉपुलेशन कहलाता है। साइलेंट फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन क्या होते हैं, साइलेंट फीचर्स, तो ए पॉपुलेशन हैज़ द फॉलोइंग साइलेंट फीचर्स। ऑल द इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन बिलोंग टू वन स्पेसिफिक। जितने भी इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन में आते हैं वो बिलोंग्स करते हैं एक ही स्पेसिस को। द इंडिविजुअल आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटोमिकली सिमिलर। जो इंडिविजुअल जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और एनाटोमिकली दोनों सिमिलर होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। द इंडिविजुअल आर जेनेटिकली रिलेटेड। द इंडिविजुअल जो होंगे वो जेनेटिकली रिलेटेड होंगे एक दूसरे से। द इंडिविजुअल आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पेसिफिक। इंडिविजुअल जो है वो आइसोलेट का मतलब वो अलग होते हैं, किसके द्वारा, तो रिप्रोडक्टिव के द्वारा, एक दूसरे मतलब दूसरे स्पेसिस से अलग होते हैं रिप्रोडक्टिव के द्वारा। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग होना, मतलब दूसरों से हम भिन्न दिखते हैं या फिर अलग दिखते हैं, उसका मतलब होता है आइसोलेटेड, अलग करता है रिप्रोडक्टिव भी, अलग करता है एक इंडिविजुअल को दूसरे स्पेसिस के इंडिविजुअल से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ईच पॉपुलेशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन के टोटल 12 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें से बस आपको 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको बस डिस्क्राइब करके थोड़ा पढ़ना होता है, बाकी रेस्ट ऑफ जितने भी बचते हैं सबका बस डिफिनेशन याद रखिएगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। पहला डेंसिटी, सेकेंड नेटालिटी, मॉर्टालिटी, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा डिस्क्राइब में आपको पढ़ना होता है। और पांचवा है बायोटिक पोटेंशियल को, बाकी जितने भी बचे इसका बस डिफिनेशन याद रखिएगा, हो जाएगा। तो पहले जानते हैं डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी क्या होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए यूनिट एरिया और यूनिट वॉल्यूम एट ए गिवन टाइम। पॉपुलेशन डेंसिटी रिफर्स करता है एक दिए हुए टाइम पर एक जगह पर इंडिविजुअल के नंबर्स को, है ना, कितना उस जगह में कितना इंडिविजुअल है, उस होता है ना उस गिनती को, उस नंबर को, टोटल नंबर को डेंसिटी कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक लीटर बोतल में बैक्टीरिया की संख्या,
एक लीटर बोतल में कितनी बैक्टीरिया है, टोटल संख्या को क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। इट मे बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस पैरामीटर, इसको हम लोग बहुत तरह के पैरामीटर से इसको एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं डेंसिटी को। द डेंसिटी ऑफ एन एनी पॉपुलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, तो डी इक्वल टू एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट पर एरिया बाय डिवाइडेड बाय टाइम। एन का मतलब होता है नंबर और ए का मतलब होता है एरिया, टी का मतलब होता है टाइम और डी का मतलब होता है डेंसिटी। मतलब एक दिए हुए एरिया में इंडिविजुअल का नंबर और उसको डिवाइड किससे करेंगे, तो उस टाइम से, तो आपका डेंसिटी निकल जाएगा। किसी किसी अगर मतलब कोई कोई जगह में आप देखिएगा डेंसिटी का फॉर्मूला एन बाई टी होता है या फिर एन बाई ए होता है, लेकिन डेंसिटी का फॉर्मूला आप यही लिखिएगा। मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, किस तरह से नाप सकते हैं या माप सकते हैं। सेवरल मेथड्स आर फॉलोड टू मेजर द पॉपुलेशन डेंसिटी, दे आर इज फॉलो। बहुत सारे मेथड है पॉपुलेशन डेंसिटी को मापने के लिए, लेकिन बस तीन मेथड मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या होता है। टोटल चार होते हैं लेकिन बस मैं आपको तीन बताऊंगी जो इम्पॉर्टेंट है, बस वही बताऊंगी। पहला टोटल काउंट, इन दिस मेथड ऑल द इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन आर काउंटेड वन बाई वन। पहला जो मेथड है टोटल काउंट, इस मेथड में क्या होता है, तो जितने भी इंडिविजुअल के पॉपुलेशन का अगर जानना है कि हाँ किसी मतलब किसी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल को एक एक करके गिनती करके उसको मतलब बताया जाता है कि इस जगह का डेंसिटी इतना है। ये बहुत कम प्लेस मतलब बहुत कम जनसंख्या होगा तभी टोटल काउंट पॉसिबल बना नहीं है। सेकेंड सैम्पलिंग मैथड, इन दिस मैथड सुटेबल सैम्पल्स आर सेलेक्टेड, द ऑर्गेनिज पर सैम्पल आर काउंटेड एंड देन द डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाई एक्स्ट्रापोलेशन। इसमें क्या होता है, इस मैथड में सैम्पल को कलेक्ट किया जाता है, सैम्पल को सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है या फिर कलेक्ट किया जाता है ऑर्गेनिज को देख कर, है ना। उसके बाद उसके डेंसिटी को एक्स्ट्रापोलेशन द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज के पॉपुलेशन को एक ग्राफ द्वारा दिखाना, कि होता है कि इस एनिमल का डेंसिटी इतना है। ग्राफ में किस तरह देखते हैं कि किसका एक दो साइड एक्स और वाई में एक्सिस में कर देता है और दिखाता है, उसी तरह सैम्पलिंग मेथड में भी वही होता है। इसमें तीन तरह का सैम्पलिंग मेथड दिखता है, पहला क्वाड्रेट्स, दूसरा ट्रांसेक्ट्स और तीसरा सर्कलेट्स। द सैम्पलिंग यूनिट आर इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेट्स, ट्रांसेक्ट्स और सर्कलेट्स। तीसरा टैगिंग मेथड, दिस मेथड इज यूज इन काउंटिंग लार्जर एनिमल लाइक फिशेस, बर्ड एंड ईटीसी। टैगिंग मेथड किस जगह यूज होता है, बहुत बड़ा जनसंख्या मतलब बहुत बड़ा मतलब जनसंख्या का को मापने के लिए डेंसिटी नाम मतलब उसका डेंसिटी जानने के लिए टैगिंग मेथड का यूज किया जाता है। जैसे फिशेस का जनसंख्या कितना है तो उसको टैगिंग मेथड द्वारा टैकल किया जाता है कि कितना होगा, बर्ड्स का है ना, और भी बहुत सारे हैं। फिर नेटालिटी को बर्थ रेट भी बोला जाता है। बर्थ रेट रिफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉपुलेशन इन ए गिवन टाइम। नेटालिटी का मतलब होता है एक निश्चित टाइम में, एक माना गया टाइम में पॉपुलेशन द्वारा जन्मे नए इंडिविजुअल को नेटालिटी कहा जाता है। मतलब मान लीजिए तो किसी भी एक टाइम में जैसे 2000 आपका साल चल रहा है, उसमें पॉपुलेशन द्वारा नए जन्मे नए इंडिविजुअल के जनसंख्या को नेटालिटी कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है कि हाँ इस साल कितने बच्चों ने जन्म लिया, उसको नेटालिटी कहा जाता है। इट इज़ ड्यू टू द बर्थ हैचिंग जर्मिनेशन और फीजन। ये किसके द्वारा नेटालिटी किसके द्वारा देखा जा सकता है, तो बर्थ के द्वारा, क्योंकि जन्म लेंगे तभी ना नेटालिटी का ये होगा, हैचिंग के द्वारा, जर्मिनेशन के द्वारा और फीजन के द्वारा। नेटालिटी को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट टाइम बाई एवरेज पॉपुलेशन। एवरेज पॉपुलेशन से एक होता है ना, एक निश्चित टाइम में जन्मे बच्चों जन्मे किसी भी नंबर के पॉपुलेशन इंडिविजुअल को डिवाइड करके हम लोग नेटालिटी जान सकते हैं। नेटालिटी इज ऑफ टू टाइप्स, दे आर फर्स्ट पोटेंशियल नेटालिटी, सेकेंड रियलाइज्ड नेटालिटी। जो नेटालिटी जो होता है वो दो तरह के होते हैं, पहला पोटेंशियल नेटालिटी,
द मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर ए पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमल कंडीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल नेटालिटी। पोटेंशियल नेटालिटी का मतलब होता है ऑप्टिमल कंडीशन में एक किसी पॉपुलेशन द्वारा जन्मे बच्चों की अधिकतम जनसंख्या को, मतलब होता है ना कि जैसे इसका एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि एक तरह का फिश मान लीजिए सैल्मन एक फिश है ना, सैल्मन एक तरह का फिश है, वो एक क्या कर रही है साल भर में एक कंडीशन में साल भर में 2 लाख तक वो अंडे दे रही है। लेकिन होता है ना कि अगर ऑप्टिमल कंडीशन हो, एक फेवरेबल कंडीशन हो, तो हो सकता है उस 1 लाख बच्चों में 90,000 बच्चे, मतलब होता है ना कि सही तरीके से हैच करके जन्म ले ले, है ना। ऑप्टिमल पोटेंशियल नेटालिटी का मतलब होता है मैक्सिमम पॉसिबल रेट की इतना हो सकता है ना। वही रियलाइज्ड नेटालिटी का मतलब होता है इट रिफर्स इन द एक्चुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड टू द पॉपुलेशन इन ए गिवन टाइम। और एक रियलाइज्ड नेटालिटी बताता है कि एक दिए हुए टाइम पर पॉपुलेशन में ऐड किए हुए एक्चुअल नंबर कितने, मतलब तो वो रियल इंडिविजुअल को बताता है कि इतना इंडिविजुअल उस इतना नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में ऐड हुआ है, इस चीज़ को रियलाइज्ड नेटालिटी कहा जाता है। फिर है मोर्टालिटी। मोर्टालिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइंग इन ए पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम। मोर्टालिटी का मतलब होता है मरे हुए जनसंख्या, जैसे उन्होंने कहना होता है मतलब मरने की इंडिविजुअल के मरने की संख्या को मोर्टालिटी कहा जाता है। जैसे मोर्टालिटी को किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो मोर्टालिटी का पहले मतलब बता दूँ कि एक टाइम में पॉपुलेशन में इंडिविजुअल के मरने की संख्या को मोर्टालिटी कहा जाता है कि इस टाइम में 2017 में पॉपुलेशन में इंडिविजुअल का कितना नंबर में डेथ हुआ है उसको मोर्टालिटी शो करता है। मोर्टालिटी को किस तरह के निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट टाइम में मरे, मतलब मरने की संख्या और डिवाइडेड बाई एवरेज पॉपुलेशन, उस जगह में कितना पॉपुलेशन था, उस जगह में कितने टोटल व्यक्ति थे, इंडिविजुअल्स थे, उसको मान सकते हैं। उसके बाद है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन को एज स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ए पॉपुलेशन इज फाउंड ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट एज ग्रुप। एक पॉपुलेशन डिफरेंट, मतलब अलग अलग एज ग्रुप के इंडिविजुअल को बनाने को एज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अलग अलग एज ग्रुप जो बनता है वो इंडिविजुअल का बनता है, वो अलग अलग चीज़ से, अलग अलग इंडिविजुअल से बनता है। कैसे, तो देखिए द इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन कैन बी क्लासिफाई इनटू 3 ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर एजेस। क्लास एज के बेसिस पर पॉपुलेशन में इंडिविजुअल को तीन ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप विच इंक्लूड इमेच्योर एनिमल। बोल रहे हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप में किसको रखेंगे, जो इमेच्योर एनिमल्स होंगे, जो मतलब होता है ना वैसे एनिमल्स जो अभी मतलब होता है ना कि बच्चे देने के लिए या फिर बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए अभी वो मतलब होता है ना कि कैपेबल नहीं है, उसको क्या बोलेंगे प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप। सेकेंड है रिप्रोडक्टिव ग्रुप इट कंप्रोमाइजिंग सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल। ऐसा मतलब एनिमल जो अभी सेक्सुअली मैच्योर हो गया है और वो एक नए इंडिविजुअल का प्रोडक्शन कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा रिप्रोडक्टिव ग्रुप कहलाएगा। थर्ड है, ये एज के बेसिस पे यहाँ पे बांटा जा रहा है, तो थर्ड है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप इट कंप्रोमाइजिंग ओल्ड एनिमल वेयर द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी हैज़ बीन स्टॉप्ड। सबसे लास्ट क्या है पोस्ट, तो वैसा इंडिविजुअल वैसा एनिमल जिसमें क्या होगा रिप्रोडक्टिव एबिलिटी खत्म हो चुकी है, वो अब प्रोडक्शन करने के सक्षम नहीं है, उसको क्या बोलेंगे तो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप कहेंगे। द डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ ए पॉपुलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कॉल्ड एज पिरामिड। कभी कभी एज पिरामिड का 2 मार्क्स में डिफिनेशन भी पूछ देता है कि व्हाट इज एज पिरामिड या फिर डिस्क्राइब एज पिरामिड। थोड़ा सा बस 2 लाइन आपको याद करना है कि द डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ ए पॉपुलेशन कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। बोल रहे हैं कि अलग अलग मतलब पॉपुलेशन के एज की ग्रुप को अलग अलग मतलब ग्राफ में शो करना ही, अलग अलग फॉर्म में शो करना ही एज पिरामिड कहलाता है। जैसे 3 तरह पहले ग्रो कर रहा है ट्राइंगुलर फॉर्म में क्या दिखा रहा है, तो पॉपुलेशन जो ग्रो कर रहा है, उसके बाद स्टेबल है, दोनों इक्वल है, रिप्रोडक्टिव प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या है, तो तीनों स्टेबल है, निश्चित एक तरह का मतलब होता है कि दर अभी इक्वल है, समान है। और तीसरा है डिक्लाइन, मतलब होता है वो घटते जा रहा है, उसको डिक्लाइन बोला जाता है, अनसेप्ट में वो दिखाया जा रहा है।
पॉपुलेशन ग्रोथ, द इंक्रीज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, तो पॉपुलेशन का इंक्रीज होना ही, पॉपुलेशन के साइज में इंक्रीज होना ही पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, तो आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन द पॉपुलर पॉपुलेशन रिमेंस एट दैट लेवल फॉर ए लॉन्ग पीरियड। मतलब होता है ना कि जब एक पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा नंबर जब रीच कर लेता है, बहुत ज़्यादा नंबर तक पहुँच जाता है, और बहुत ही लंबे समय तक वो नंबर स्टेबल रहता है ना। जैसे बहुत, जैसे किसी एक जगह में 2000 तक जनसंख्या बढ़ गया, लेकिन आने वाले 3-4 सालों तक वो जनसंख्या 2000 तक ही सीमित है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम कहेंगे। और फिर है पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन, द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन। पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन के इंडिविजुअल में घटना और बढ़ना, मतलब घट भी रहा है फिर बढ़ भी रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो फ्लक्चुएशन कहेंगे। पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन का मतलब होता है पॉपुलेशन के इंडिविजुअल में बढ़ना और घटने की प्रक्रिया को पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन कहा जाता है। फिर है बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल रिफर्स टू द इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन टू इंक्रीज इन नंबर। बायोटिक पोटेंशियल रिफर करता है कि इंडिविजुअल के, मतलब होता है ना कि एक पॉपुलेशन में इनहेरेंट एबिलिटी, मतलब होता है ना कि अच्छा कंडीशन है तो पॉपुलेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बायोटिक पोटेंशियल का मतलब होता है बढ़ना, और एक तरह का अगर बहुत फेवरेबल कंडीशन होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, जिसको दिखाता है बायोटिक पोटेंशियल। व्हेन द एज रेशियो इज स्टेबल एंड ऑल एनवायरमेंटल कंडीशन आर फेवरेबल। बायोटिक पोटेंशियल कब होगा? तो जब फेवरेबल कंडीशन होगा और एज रेशियो क्या होगा? तो स्टेबल होगा, है ना। मैंने बोला ना कि पोटेंशियल का मतलब होता है कि इंक्रीज होना। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन, ये क्या है? तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होता है पॉपुलेशन का, रिप्रोडक्शन की क्षमता को, रिप्रोडक्शन का वो पॉपुलेशन को ये इंक्रीज करता है बायोटिक पोटेंशियल। इट इज रिड्यूस्ड व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशन आर नॉट ऑप्टिमल। ये कम कब होगा? रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। तो बायोटिक पोटेंशियल कम कब होगा? जब एनवायरमेंटल कंडीशन ऑप्टिमल नहीं होगा, है ना। जब एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होगा? खराब होगा, उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा, तब पॉपुलेशन में कमी आएगी, पॉपुलेशन का इंडिविजुअल में कमी आएगी। फिर है डिस्पर्सल, डिस्पर्सल का मतलब होता है, डिस्पर्सल इज ए फिनोमिनन वेयर द इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन मूव इनटू और आउट ऑफ द पॉपुलेशन। डिस्पर्सल का मतलब होता है, डिस्पर्सल एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल एक जगह से दूसरा जगह चल जाता है, उसको डिस्पर्सल कहा जाता है। डिस्पर्सल 3 तरह के हो सकते हैं, माइग्रेशन, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। क्या होता है? इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन, है ना। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलत है, स्पेलिंग सही है। तो क्या होता है माइग्रेशन? माइग्रेशन का मतलब होता है कि वैसा एनिमल जो होता है ना कि एक जगह से दूसरा जगह जाता है फिर वापस आ जाता है, जैसे एक जगह से दूसरा जगह, जैसे कोई भी बर्ड क्या होता है कि दिन में जाता है खाना खोजने के लिए, फिर खाना खत्म करते रात तक आ जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? माइग्रेशन बोला जाता है। और ई माइग्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी एनिमल जो, ई माइग्रेशन का मतलब होता है कोई भी एनिमल टोटल वो अपना फैमिली लेके कोई और जगह चल गया, हमेशा के लिए चल गया और वो वापस नहीं आएगा, तो उसको कहा जाता है ई माइग्रेशन। और ई माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक फैमिली ग्रुप में कोई दो व्यक्ति एक दूसरा जगह चल गया, है ना, कोई दो व्यक्ति टोटल पॉपुलेशन में कोई दो व्यक्ति दूसरा जगह चल गया और वापस नहीं आया, वो क्या किया? अपने फैमिली मेंबर, अपने फैमिली का, अपने जगह का पॉपुलेशन को घटाया, लेकिन जहां गया वहां पॉपुलेशन को इंक्रीज किया, उसको बोला जाता है इमाइग्रेशन। फिर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? तो डिस्पर्शन रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल विद इन ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के, मतलब इंडिविजुअल के डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अलग अलग कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उस तरह का पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के फैलने के चीज, फैलने की प्रक्रिया को डिस्पर्शन बोला जाता है। फिर रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज लिविंग इन ए एरिया। एक एरिया में लिविंग स्पीसीज के इंडिविजुअल के नंबर को, टोटल नंबर को पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। बस ये सब का डेफिनेशन याद रखिएगा, जो जो मैं डिस्क्राइब करके बताएँ उसको शॉर्ट नोट में आता है, और ये सब लिखने का मतलब, ये सब अगर टाइम मिलेगा तभी लिखिएगा, बाकी ये टॉपिक बस यहीं तक है।